दोस्तों हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर कंट्री में कुछ ना कुछ बैन है, मतलब कम्प्लीटली गैर कानूनी, जिसे यूज करने से या फिर देखने से आपको जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही कंट्रीज के बारे में जहां सम थिंग्स आर इलीगल और बैन। नंबर 10, जापान। जापान में ओवरवेट होना बैन है। जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि ओवरवेट होने से बीमारी का खतरा ज्यादा फैलता है, लाइक डायबिटीज एंड स्ट्रोक्स। जापान के गवर्नमेंट चाहते हैं कि उनके कंट्रीज के लोग हमेशा हेल्थी रहे। नंबर 9, अर्जेंटीना। दोस्तों अर्जेंटीना में पतंग उड़ाना बैन है, बट आप अकेले में उड़ा सकते हो। आपकी पतंग ऐसी जगह नहीं उड़नी चाहिए जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो, ऐसे में एक्सीडेंट होने के हाई चांस रहते हैं, एंड ये कानून ऑस्ट्रेलिया में भी लागू होते हैं। नंबर 8, सिंगापुर। क्या आपको स्विंगम चबाना पसंद है? बट आप सिंगापुर में स्विंगम नहीं चबा सकते, क्योंकि लोग स्विंगम चबाने के बाद कहीं पर भी फेंक या चिपका देते हैं, जिसकी वजह से सफाई करने में वहां के सफाई कर्मचारियों को मुश्किल होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आते जाते लिप पर भी चिपका देते हैं, एंड इससे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से सिंगापुर के गवर्नमेंट ने स्विंगम को ही बैन कर दिया। नंबर 7, भूटान। दोस्तों भूटान तंबाकू पूरी तरह बैन है, और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि तंबाकू से आपको कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। भूटान एक धार्मिक प्लेस है जहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसी पवित्र जगह में ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों की जान जाए। नंबर 6, रशिया। आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया में एक्टिव रहता है उसमें, बट फेसबुक रशिया में बैंड है। मॉस्को कोर्ट का कहना है कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से लोगों प्राइवेसी स्ट्रीमिंग एक्टिविटी पब्लिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को बैंड रखा गया है। बट व्हाट्सएप अप्रूवल है, क्योंकि व्हाट्सएप जस्ट पर्सनल कन्वर्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे आपकी डाटा सिर्फ एक दूसरे के साथ ही शेयर होते हैं। नंबर 5, इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया में भीख मांगना गैरकानूनी है, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम भीख मांगने की अनुमति देंगे देन वो लोग बिना मेहनत करे ही पैसा कमाने की आदि हो सकते हैं, एंड साथ ही देश को पोर कंट्री में प्रेजेंट करेंगे। सो नो बेगिंग इन इंडोनेशिया, डू हार्ड वर्क फॉर मनी। दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पैसा कमा भी सकते हो और दुनिया के बारे में जान भी सकते हो, बट साइना ने यूट्यूब को बैन कर रखा है, क्योंकि साइना अपनी किसी भी चीज को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि साइना माल आपको पता ही है कैसे होते हैं। नंबर 3, नॉर्वे। अगर आपको बिल्ली पसंद है देन आपको नॉर्वे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कैट बैंड है, क्योंकि वहाँ बिल्लियाँ सूहे के पीछे नहीं बर्ड्स के पीछे भागते हैं। मजाक था, बट एक्चुअल में पंछियों की आबादी को बसा के रखने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने वहाँ पर बिल्ली बैन रखा है। नंबर 2, फ्रेंच। फ्रेंच में मुंह ढककर नहीं घूम सकते, क्योंकि वहाँ मुंह छुपाना बैन है, एंड मेजरली ये अप्लाई होता है हिजाब पहने बालों पर। फ्रेंच ही वो पहला कंट्री है जिसने हिजाब पर बैन लगाया है। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल्स में जानना चाहते हो देन कॉमेंट जरूर करें। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों ऐसे तो नॉर्थ कोरिया में इतनी सारी चीज़ें बैंड है क्या ही बताएं, बट आइए मेन टॉपिक की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को ड्राइविंग करना मना है, एंड इसका रीजन सिर्फ किंग जोंग को ही पता है। अगर आपको भी पता हो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 10, इंडिया। सबकी बात हो रही है देन आइए जानते हैं अपने भारत के बारे में। दोस्तों इंडिया में पोर्न बैंड है, आपको पता ही होगा, बट इंडिया के लोग जुगाड़ू बहुत है। अगर आप इंडिया से हो देन आप समझ सकते हो। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही और नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।